TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राजू मोरे सर या ठिकाणी आमच्या सोबत आहेत कमेंट्री बॉक्स मध्ये, मोरे सरांचं देखील स्वागत। पहिला चेंडू पडतोय, अंतिम सामना, पहिला षटक, पहिला चेंडू, यावेळेस पहिला चेंडू कोणवर टप्प्याचा, सरळ बॅटने खेळून काढलेला, राकेश प्रभू यांच्या बॅट मधून आलेला हा अप्रतिम फटका तुम्ही बघता। चेंडू सरळ जातोय व्ही क्षेत्रामध्ये लॉंग ऑफ सीमारेषेजवळ, बंटी पटेल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतायत। बंटी पटेल यांचं देखील कौतुक करावं लागेल, सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये आपण जण आपण करतायत, आपलं देखील स्वागत असेल। जिग्नेश यावेळेस पुन्हा एकदा कोणवर टप्प्याचा चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकला जातोय, हो लाजवाब गोलंदाजी। मित्रांनो अंतिम सामना खेळला जातोय, त्या दर्जाचं क्रिकेट मैदानावर होताना तुम्ही बघताय। या ठिकाणी आघाडीला येत आहे, ओपन करताय आता अनिकेत राऊत, या इनिंग मधला पहिला चेंडू खेळताना तुम्ही बघताय। दोन खेळाडू 30 यार्ड सीमारेषेच्या बाहेर, डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑन। यावेळेस मात्र हवे चेंडू लाफ केलाय, मनोज जाय भावे चेंडूच्या मागे जातो, ओ माय गडनेस, हवेच्या विरुद्ध दिशेला धावत जात, चेंडूच्या विरुद्ध धावेला जात। निश्चितच 1983 मध्ये भारतीय संघानं जो विश्वकप पटकवला होता, कपिल देव निकंज लिजेंड क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट विश्वामधले कपिल देव निकंज, याच पद्धतीने आपल्या विरुद्ध बाजूला धावत जात, तो ज्या पद्धतीने झेल टिपला होता त्याच झेलची आठवण आता मात्र मनोज जाय भावे यांच्या झेलच्या माध्यमातून होते। अप्रतिम क्रिकेट खेळले जाते, लाजवाब झेल त्या ठिकाणी टिपला जातोय, सुपर कॅच बाय मनोज जाय भावे। निश्चितच मात्र अनिकेत ब्रेक मिळून देत आहे, धावसंख्या 1-3, ऑन स्ट्राइक राकेश प्रभू। ओ यावेळेस फुल हँड डिलिव्हरी, हवेत केलेला फटका, ओ माय गॉडनेस, सुपर सुपर कॅच बाय बंटी पटेल। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा एक चुकीचा फटका राकेश प्रभू यांच्याकडनं खेळला गेला, फुल हँड डिलिव्हरी, हवेत प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला गेला, लॉंग हँडला उभ्या असलेल्या खेळाडूच्या डोक्यावरून हवेत फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, टायमिंग चुकला, मिस टाइम शॉट त्या ठिकाणी खेळला जातोय आणि उरलेलं काम मात्र हवेत गेलेला झेल त्या ठिकाणी सीमारेषेजवळ एक हवेत सूर मारून बंटी पटेल मात्र अप्रतिम पद्धतीने त्या ठिकाणी टिपल्या जातोय आणि दुसरा धक्का राकेश प्रभू यांच्या रूपाने उर्वी पालघर संघाला धक्का बसतोय। दोन गडी बाद होत आहे, धाव संख्या जाऊन पोहोचते 3, फक्त 3 धावा। विशाल ऑन स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंडला, यावेळेस मात्र हा पहिला बॉल वेट करिए आप लोग प्लीज। सैयद आसिफ बाबा भी आनंद ले रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का मैदान से। आसिफ बाबा से एक रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आ जाइए। सैयद आसिफ बाबा से एक गुजारिश है कि आपको मंच पर आना है। सह्याद्री सोशल फाउंडेशन के सर्वे सर्वा रोशन जी घाटे से भी विनती है, आपको भी मंच पर विराजमान होना है प्लीज। ईदगाह का ये 11 पालघर और आर्या 11 नासिक के बीच। जिग्नेश तैयार हैं अगली गेंद के साथ। जिग्नेश की गेंद आ गया, बोल्ड हो गए बैट्समैन, यॉर्कर लेंथ की गेंद को शफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में, और शायद जिग्नेश ने भाप भी लिया था इस बार। क्या सुंदर गेंदबाजी की है इस मुकाबले में जिग्नेश ने, कुल मिलाकर दूसरा ओवर कर रहे हैं और 4 विकेट अभी तक ले चुके हैं जिग्नेश, ये खास बात है।
ब्यूटी। अभी अभी क्रितेश आए हैं खेलने के लिए। राउंड द विकेट गेंद और शायद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, गेंद ने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, विकेट कीपर ने बहुत फुर्ती जरूर दिखाई लेकिन तेज निकले थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड से विशाल। और इससे पहले कि बेल्स बिखेरी जाती सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंचे हैं विशाल। इस एक रन की खिलाड़ी है मिड ऑफ और शॉर्ट फाइन लेग। अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ की तरफ, फील्डर वहां मौजूद हैं। ओवर समाप्त, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 6 रन प्रति ओवर के रन रेट से 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर उर्वी 11 पालघर का।